बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हुसैन मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मोडी बुखारी यूट्यूब चैनल। गाइस, जहाँ पे हम रोज़मर्रा में बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, आप लोग भी देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी के बहुत सारे दूसरे पहलू भी होते हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी, चाचा जी हैं हमारे, पड़ोस में रहते हैं, मैं आज इनके घर में आया, मुझे पता चला था इनकी जो ज़िंदगी है, जिनके हालात वाकयात हैं, बहुत कठिन हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनके घर में जा कर इनकी वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है चाचा? ठीक हो तुसी? शुक्र है अल्लाह। चाचा जी, के तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। ते तुसी, तुम्हारी उम्र कितनी है तकरीबन? आज 60-70 तो उसी 70 दिन से बेसिकली तुम्हारी। और चाचा ठीक हो तुसी? खैरियत? अच्छा, अपना तुम्हारी मेरे ख्याल नजर भी कमजोर है। ये मेरी नजर ही कमजोर है। मैं तू समय नु देख सकदे हो आराम नाल के नहीं देख सकदे? बस ओनी बे मालूम होंदा बे कोई बंदा, यानी सिर्फ थोड़ा जे महसूस होंदा कि कोई इंसान तुम्हारे कोल बैठा है, समझ आ गए। और चाचा ठीक हो? अच्छा, मैं पता चलिया कि तुहाडे घर में चला आखी हुण आके मैं वेखिया भी है, तुहाडा घर भी सारी सूरत हाल वेखी है। अपने से जेडे नाजरीन सानू सुणदे पए ने जां वेखदे पए ने इस वीडियो नूं, असां उहनां नूं सारा विखेसां भी सही। ते तुहाडा जदन भी तुहाडा रकबे वाला मसला बणिया, सुणिया तुहाडे पहले हालात बहुत शानदार आण अच्छे आण तुहाडा, ते उहदे बारे कोई थोड़ा जिहा दस्सो कि मतलब किस सूरत हाल बनी है तुहाडे नाल? रकबा मेरे को खसी गया, केस वेस कीते, मैं केस हार गया, मैं गरीब हूं, पैसे तो पैसे तुसी ना दे सके, दे सके ओ लाए गए। ठीक, इसलिए मेरा एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो सभी तैयारी कर ले मेरा। कितनी दिहाड़ी, कितनी बच्चा कमा? 100-200 यूं कुछ ही दिया थे, देहात का माहौल दिया, कभी लगी कभी ना लगी। काम बच्चा के करें ना? बस वही हो भाई, अपना मजदूरी दिहाड़ी मैड़ी तगारी चाल है, किसी दी मजदूरी कर लई, कभी दिहाड़ी लग गई कभी ना लगी। वो रकबा कसे दिया, मकान नाजरीन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरे पक्के मकान थे, बड़े शानदार। मैंने भी, मुझे भी पता है कि 10-11 साल के हमारा भी यही इलाका जहाँ से गुजरते थे, तो इनके सीमेंटेड पक्का घर था, इसमें कोई शक नहीं, मैंने खुद भी देखा हुआ था। आज जो इनके घर की हालत है वो अगर आप नाजरीन ने देख लिया तो आपको यकीनन बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इनका मैं आपको, नाजरीन इनका मैं घर भी दिखा। अच्छा चाचा जी, तुहाडे जेड़े कितने बच्चे हैं तुहाडे? ये एक बच्चा एक बच्ची है। ते उन्हां दी शादी वगैरह कर ली है तुसी? कोई ना जी, ना जो पल्ले काशे नहीं, किस दी करना खावन तू हला का, कदी दिहाड़ी लगी दिहाड़ी नाल ते नहीं नु शादी। हां जी, मतलब के तुसा ना बेटे दी शादी है जिन तक कोई ना बेटी दी होई? जी जी, कोई नहीं कर सके, जे शाय कोल कोई नहीं, कोई चीज नहीं है तुहाडे कोल, ये के करावा। तो गाइस, दोस्तों यहाँ पे आप ये सुन रहे हैं कि चाचा जी कहते हैं कि हालात इतने अबतर हैं कि हमें खाने पीना जो है वो महाल है, तो शादी जैसा जो काम होता है वो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपको ले चलता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको चाचा का जो घर है वो चाचा को साथ ले कर हम आपको वो दिखाते हैं।
चाचा आओ तुसा ते हुण जरा मैं तुहाडा घर वेखना है, अपने नाजरीन जिहड़े वेखण वाले ने उहनां नूं तुहाडा घर वी विखाइने आ कि सूरत हाल है करदे। हाँ जी, ते इह जिहड़ा कमरा तुहाडा, इह मतलब कि इह तुहाडा जिहड़ा कमरा, इहनूं समझो तुहाडा किचन वी होया, ते कोई जानवर छोटा मोटा होवे तुसीं इहदे विच उहदे इह तुसीं बांध लैंदे हो। गए जी, इह देख लें चाचा के घर की ये हालत है, इसका कोई दरवाजा नहीं है, ऊपर छत है, उसके ऊपर भी सिर्फ वो देख लें आप, पराल जो है वो डली हुई है, ठीक है, ये इनकी छोटी सी चार दीवारी है। नीचे से आप गौर से देख सकते हैं कि ये चार दीवारी भी किसी टाइम भी ये गिर सकती है, ठीक है, किसी टाइम भी ये गिर सकती है। तो ये इनका छोटा सा किचन है, ये देख लें, और इसके साथ ही ये दो कमरे हैं, जिस कमरों की जो हालत है वो आप देख रहे हैं। ये कमरा है चाचा, आओ थोड़ा कमरा जरा दिखा दिए नाजरीन, ये देखें ये कमरे की हालत है, ये भी हम कमरे में एंटर नहीं हुए, तो ये छत है और ये कमरे की हालत है। चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं, ये चाचा का एक छोटा सा कमरा है, और ये साइड पे देखें वो दीवार से आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, छत मतलब बिल्कुल ऊपर से, मैं आपको नज़दीक से अगर कोशिश करता हूँ दिखाऊँ कि ये सारी जो है छत है, इसकी जो हालत है वो ये, खुदा ना खास्ता किसी टाइम भी ये छत जो है गिर सकती है। तो ये सूरत हाल है, ये छत की हालत है, और एक कमरा जो इनका वो ऑलरेडी जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो भी दिखाते हैं। हाँ जी, ये हम जा रहे हैं अब दूसरे कमरे में, तो ये देखेंगे दूसरा कमरा, इसकी हालत जो है, बाहर से आपको सिर्फ दरवाज़ा लगा, ये देखेंगे ये जी, ये हम ये दरवाजे में खड़े हैं, और ये छत की हालत है, आप देख सकते हैं कि ये छत है और इसकी ये हालत है, किसी टाइम भी खुदा ना खास्ता किसी टाइम भी ये भी ज़मीन बोस हो सकती है, गिर सकती है। दूसरे कमरे की हालत भी सेम थी, मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखें। तो ये है, चाचे के पास गाटर वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने एक पाइप होता जैसे वो ऊपर डाला हुआ है, ये चीज़, ये गाटर नहीं है, ये पाइप है, और लकड़ी का ये, और छत के ऊपर भी आप ये देख सकते हैं इस तरह का कमरा ना होने की वजह से ये जो सामान था उनका वो सारा ये नीचे ख़राब हो रहा है। ये देखें ये चीज, छत को जिस साइड से भी देखें वहाँ से वो अंदर मतलब बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, और ये सारी छत है, इसमें सारी छत में सुराख हैं, और इसके नीचे मैं भी अब खड़ा हूँ तो मैं डर के खड़ा हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, अगर बारिश आ जाती है तेज़, कोई आंधी आती है, तो ये बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। अच्छा चाचा, तुसें अपना सारा घर भी खाया, असें थोड़ा घर तो वेख लिया है, तो तुसें जो साढ़े नाजरीन हैं जो वेखण वाले हैं उन्होंने वास्ते कोई पैगाम, उन्होंने कोई गल आखना चाहो तुसें? जे असाने साढ़े पाकिस्तान वाले या बाहर वाले मुल्क हैं जो ये साड़ी मदद करें, गरीब साड़ी मदद करें की जाए। नाजरीन चाचा जी कह रहे हैं कि जो हमारे इस भाई मुल्क में रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, और गवर्नमेंट जो है, यकीनन गवर्नमेंट को भी चाचा जी, चाचा गवर्नमेंट वास्ते कोई तुहाडा पैगाम हो? गवर्नमेंट ही साड़ी मदद करे, वो भी साड़ी इमदाद करे, गरीब मुस्तहिक है। तो नाजरीन ये चाचा जी कह रहे हैं कि हम जो हैं मुस्तहिक हैं, हमारी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर की हालत है वो आप लोगों ने देख ली है, खुदा ना खास्ता इस चीज़ का तो मैं भी शायद हूँ कि मैंने खुद देखा इनका घर छत से अंदर खड़ा नहीं हुआ जाता, डर लगता है, और जितनी हो सकती है इनकी हेल्प की जाए, चाचा जी मुस्तहिक हैं, और जो हमारे भाई बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं या मुल्क के अंदर रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनसे भी हमारी अपील है कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमेशा हुकूमत को कभी भी नज़र नहीं आते, और जिनके पास सब कुछ होता है वही, वो कर्ज़े भी वही ले जाते हैं, और जितनी इमदादें होती हैं वो भी वही ले जाते हैं, और जो मुस्तहिक होता है वो रह जाता है। तो नाज़रीन आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और सोचने पे आप मजबूर हो गए होंगे। तो यही इंसानियत है कि इंसान को इंसान का सहारा बनना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।